एक बड़ी समस्या थी। वो समस्या ये थी कि एक भारी भरकम मशीन को प्लांट में बने एक गहरे गड्ढे के तल में बिठाना था, लेकिन मशीन का भारी वजन एक चुनौती बनकर उभरा। मशीन साइट पर तो आ गई थी, पर उसे 30 फीट गहरे गड्ढे में कैसे उतारा जाए, ये एक बड़ी समस्या थी। अगर ठीक से नहीं बैठाया गया तो फाउंडेशन और मशीन दोनों को बहुत नुकसान उठाना पड़ता। आपको बता दें कि ये वो समय था जब बहुत भारी वजन उठाने वाली क्रेन हर जगह उपलब्ध नहीं थी। जो थी वो अगर उठा भी लेती तो उस गहरे गड्ढे में उतारना उनके बस की बात नहीं थी। आखिरकार हार मानकर इस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए प्लांट बनाने वाली कंपनी ने टेंडर निकाला, और इस टेंडर का नतीजा ये हुआ कि बहुत से लोगों ने इस मशीन को गड्ढे में फिट करने के लिए अपने ऑफर भेजे। उन्होंने सोचा कि कहीं से भी बड़ी क्रेन मंगवा कर मशीन फिट करवा देंगे। इस हिसाब से 25 से 30 लाख रुपए पूरे काम करने के लोगों ने मांग लिए। लेकिन उन लोगों के बीच एक बनिया था जिसने कंपनी से पूछा कि अगर ये मशीन पानी में भीग जाए तो इससे कोई समस्या होगी क्या। इस पर कंपनी ने जवाब दिया कि मशीन को पानी से भीग जाने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद उसने भी टेंडर भर दिया। जब सारे ऑफर देखे गए तो उस बनिए ने काम करने के लिए सिर्फ 15 लाख मांगे थे। जाहिर है मशीन बैठाने का काम उसे दिया गया, लेकिन अजीब बात ये थी कि उस बनिए ने यह बताने से मना कर दिया कि वो ये काम कैसे करेगा। बस इतना बोला कि काम करने का हुनर और सही टाइम उसके पास है। उसने कहा कंपनी बस उसे तारीख और समय बताए कि ये किस दिन करना है। आखिर वो दिन आ ही गया। हर कोई उत्सुक था ये जानने के लिए कि ये बनिया कैसे काम करेगा। उसने तो साइट पर कोई तैयारी भी नहीं करी थी। तय समय पर कई ट्रक उस साइट पर पहुंचने लगे। उन सभी ट्रकों पर बर्फ ला दी गई, जो उन्होंने गड्ढे में भरना शुरू किया। जिसके बाद बर्फ से गड्ढा पूरी तरह से भर गया तो उन्होंने मशीन को खिसकाकर बर्फ की सीलियों के ऊपर लगा दिया। इसके बाद पोर्टेबल वाटर पंप चालू किया गया। गड्ढे में पाइप डालकर उससे पानी बाहर निकाला गया। बर्फ पिघलती गई, पानी बाहर आता गया और मशीन धीरे धीरे नीचे जाने लगी। 4 से 5 घंटे में ही काम पूरा हो गया और कुल खर्चा 1 लाख रुपए से भी कमाया। मशीन एकदम अच्छे से नीचे फिट हो गई और उस बनिए ने 14 लाख रुपए से अधिक मुनाफा भी कमा लिया। वास्तव में बिजनेस बड़ा ही रोचक विषय है। ये एक कला है जो व्यक्ति की सूझबूझ, चतुराई और व्यवहारिक समझ पर निर्भर करता है। मुश्किल से मुश्किल समस्याओं का भी सरल समाधान खोजना ही एक अच्छे बिजनेसमैन की पहचान है, और ये बात इस बनिए ने साबित कर दी। तो दोस्तों, कैसा भी काम हो, चतुराई से काम करे तो कोई भी बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आप हमें अपनी न्यूज फीड में देखना चाहते हैं तो अभी इस पेज को लाइक और फॉलो करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।